हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले विश करती हूँ आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जैसा कि आज अगस्त का पहला संडे है, तो पहला संडे को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो वैसे तो मैंने सबको विश कर दिया जो भी मेरी फ्रेंड्स थी लड़कियाँ, बट मैंने यूट्यूब फैमिली को नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर सभी फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मैंने पोस्ट नहीं किया, मैं सोच रही थी पोस्ट करने पर, सोची कि वीडियो आज मैं लाऊंगी तो उसी में मैं सबको विश कर दूंगी, तो इसलिए मैं यहीं पे बोल दे रही हूँ सबको, क्योंकि सभी मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही खास है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं मेहंदी और साथ ही साथ आपको आलता लगा कर भी दिखाऊंगी, यानी मेहंदी और आलता का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है वही आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। इसका पार्ट टू भी लाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं लगाते हुए दिखाई हूँ, मतलब फुल एंड फाइनल मेहंदी और आलता। तो 2 दिन का प्रोसेस है। मैं ये जो मेहंदी लगा रही हूँ वो रात को लगाई थी और आलता अगले दिन लगाई थी। तो वीडियो मतलब थोड़ा सा लंबा बन गया था, तो मैंने बहुत जगह फॉरवर्ड भी किया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। और साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा, अगर आपके अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं उसको शो करूँगी ऊपर, और अगर कमेंट गलत आएंगे तो मैं नहीं करूँगी। तो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, टर्न ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैंने यूनिक बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग का कुछ कमेंट आए कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, तो आप लोग कुछ सुझाव भी दे सकते हैं मेरी वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आता है तो आप मुझे और बोल सकते हैं, मैं इस टाइप्स की और डिज़ाइन भी लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए जो मैं यहाँ मेहंदी लगा रही हूँ वो कावेरी मेहंदी है। मैंने चाइनीज़ मेहंदी भी सोची थी लगाने के लिए, बट मैंने वो नहीं लगाई, क्योंकि वो लगाने के बाद उसको मुझे तुरंत से धुलना पड़ता, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो फिर वो गलत हो जाता, अच्छा नहीं लगता। और मैंने रात का समय चुना, और मैं भी वॉइस रिकॉर्डिंग भी रात को ही कर रही हूँ। अभी 8:01 हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी दिन भर आज टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी ही अपलोड भी लगाऊंगी वीडियो जस्ट बनाकर। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि पहले मैंने मेहंदी का लाइन खींचा था, उसके बाद अपने हाथों से उसको पुश करके और खींची हुई, यानी थोड़ा सा सेड वाला, यानी सेडेड वाला डिज़ाइन मैंने लाया है। तो उसके बाद मैं जो अंगूठा है, जो टोज है मेरे, तो वहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ दी है आलता के लिए, और इधर भी पैरों के किनारे किनारे पे मैंने छोड़ दिए हैं ताकि वहाँ मैं आलता लगाऊंगी। तो इस टाइप से लगाना है, और इस टाइप्स का डिज़ाइन जो है वो मैं तो खुद अपनी शादी में नहीं लगाई हूँ, लेकिन इस टाइप्स के जो डिज़ाइन है वो आप स्पेशली शादी में लगाए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अभी तीज आ रही है, तीज में आप लगाओ, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, मैं क्या कहूँ। मैं खुद अपने पैरों में लगाई थी, मुझे खुद ही मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पैर इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जैसे किसी दुल्हन के पैर हो। मेहंदी है, आलता है, और साथ ही साथ पूरा पैर का सिंगार था, मतलब पायल था, बिछुआ था, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मेरा पैर। वीडियोस भी बनाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरा पैर। मैंने 2 तरह के टोज रिंग पहनकर वीडियोस बनाई है, तो वो पार्ट टू में आप देखोगे। अभी तो आपको केवल डिज़ाइन ही मिलेंगे कि मैंने कैसे लगाया, लास्ट में थोड़ा सा बस 1-2 मिनट का आपको दिखेगा, पायल पहनते हुए मैं दिखा रही हूँ और साथ ही टोज रिंग भी पहन कर दिखा। इसमें मैंने बहुत ही बोल्ड वाला टोज रिंग पहना है, दिल वाला शेप का। तो देखिए उसको तो आप लास्ट में देख लोगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप छोड़ छोड़ कर वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही मेहनत से बनाई है। मैंने रात को वीडियो बनाई है ताकि रात को मैं मेहंदी अच्छे से लगा लूँ, रात तक सूख जाए और फिर अगले दिन छुड़ा लूँ और आलता लगाऊँ। तो देखिए एक पैर मेरा लग गया है, खाली जगह जो है वहाँ मैं आलता भरूँगी, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया है। देखिए मैं अभी आपको अच्छे से बता रही हूँ कि लगाना कैसे है। सबसे पहले आपको मोटी सी एक लाइन खींच लेनी है। अभी तीज आ रहा है, आप तीज में लगाइए, करवा चौथ में लगाइए, सच बता रही हूँ, इतना खूबसूरत आपका पैर लगेगा। मेरे पैर तो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। देखिए कैसे लगाना है, पहले जो आपके हाथ है उसको आगे की ओर बढ़ाइए, ठीक है, उसके बाद उसको दबाना है आपको, यानी जो हाथ है आपके उसको दबाना है, उसके बाद खींच देना है। तो इससे आपका डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा लगेगा। क्या होगा कि आपका जो सेडेड है वो बहुत अच्छा खिल के आएगा। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका सेडेड नहीं बन पाएगा। तो उसको ऊपर की तरफ अच्छे से पुश करना है, हाथ को मेहंदी को ऊपर खींचना है, पुश करना है
उसके बाद अंगूठे को दबाना है, उसके बाद नीचे खींच देना है। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं इधर से फिर से करके बताती हूँ। पहले हाथों को दबाना है, देखिए मैं इधर से बता रही हूँ, पहले ऊपर फिर दबाइए फिर नीचे खींचिए, ऊपर दबाइए नीचे खींचिए, ऊपर दबाइए नीचे खींचिए, ऊपर दबाइए नीचे खींचिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो इस टाइप से आप केवल मेहंदी भी लगा सकते हो, और जो ये खाली जगह है उसको मेहंदी से भी भर सकते हो, पर मैं यहाँ आलता और मेहंदी दोनों कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा। और आप देख रहे हैं कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, बारिश है, गंदे पानी है, मैं बाहर जाती हूँ, मिट्टी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और पसीना तो इतना ज़्यादा गर्मी से, इसकी वजह से मैं खुजला देती हूँ और मेरा इस टाइप से रेसेस पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, और ये हो गया है। तो मैं इसको मेहंदी से छिपा रही हूँ। अगर आपके भी इस टाइप से अभी बरसात में हो गए तो आप भी इस तरीके से करके अपने पैरों को, जो बदसूरत पैर है उसको छिपा सकते हैं। तो देखिए उसके बाद मैंने वही वाला किया है, आलता के लिए मैंने थोड़े थोड़े छोड़ दिए नेल्स के ऊपर ऊपर, और इस टाइप से मैं भरते रही हूँ। तो देखिए मेरा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है मेहंदी का, है ना। और इस तरह से बीच बीच में मैंने डॉट्स दे दिए हैं जाली करके, और उसमें बीच बीच में डॉट्स दे दिए हैं। तो इस टाइप के मेरे पैर लग रहे हैं दोनों पैर। तो ये रात का ही समय था, और सारे काम वगैरह हो जाते हैं छुट्टी, उसके बाद बैठ के आराम से वीडियो बनाओ। उसके बाद देखिए रात के समय मैंने 2-3 बजे के लगभग शूट किया था, सूख गया है मेरा पूरा मेहंदी, पूरा सूख गया था ड्राई, और अच्छा भी लग रहा था कि हाँ कलर अभी अच्छा आया है, यानी अच्छा आएगा। अब ये देखिए अब मेरा जो कलर है वो कैसा आया है, अगले दिन का है ये, ठीक है। अगले दिन मैं नहाई, सारा पैर का धुल ली अच्छे से, सब छुड़ा ली, मतलब जब मैं उठी थी तो मैं इसको धुली नहीं थी, जब मैं नहा रही थी तब धुली हूँ इसको, ताकि अच्छा से कलर चढ़ जाए। और अब मैं लगा रही हूँ आलता। तो आप आलता या फिर महावर कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं आलता लगा रही हूँ, स्टिक की मदद से, आप चाहे तो हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी सुविधा है, कॉटन बर्ड्स की मदद से भी लगा सकते हैं। और इस टाइप से लगाते जाइए। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, और ये जो कलर है वो रेड है, मेरे पास पिंक नहीं है, आपके पास पिंक है तो पिंक लगाइए, रेड है रेड लगाइए, ऑरेंज है ऑरेंज लगाइए, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है वो लगा सकते हैं, आलता महावर। और यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी है, अपनी शादी की साड़ी पहनी है, ये मेरी शादी वाली साड़ी है, यानी कि जब मेरी शादी हुई थी तो ये मुझे ससुराल की तरफ से मिला था ये साड़ी। तो यहाँ पे मैं अलग साड़ी रखती हूँ, यहाँ पे भी कुछ साड़ियाँ मेरी होती है, और मतलब ससुराल में भी मेरी कुछ साड़ियाँ होती है अच्छी और नॉर्मल साड़ियाँ, और कुछ मैं बनारस में भी रखती हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा साड़ियाँ होती है, यहाँ कुछ कम ही रहते हैं। तो यहाँ क्योंकि कहीं जाना नहीं रहता तो यहाँ मैं कम ही साड़ी रखती हूँ, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कहीं भी कुछ काम से जाना आना रहता है तो वहाँ पे मैं साड़ियाँ और सूट वगैरह ज़्यादा रखती हूँ बनारस में। तो यहाँ कुछ ही साड़ी है, लेकिन फिर भी ये साड़ी थी तो मैंने इसके साथ एक वीडियो बना ली। और मैं यहाँ लुक क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ा दुल्हन वाला लुक, यानी ब्राइडल वाला लुक। तो मैंने मेहंदी, आलता, साथ ही साथ जो पायल है वो भी ब्राइडल वाले पहने हैं, टोज रिंग भी मैंने बहुत बड़ी पहनी है, साथ ही साथ मैं यहाँ साड़ी भी ब्राइडल वाली पहनी हूँ, यानी दुल्हन वाली साड़ी, भारी भरकम है, ऐसे शायद आपको नहीं लग रहा हो पर ये बहुत ही भारी साड़ी है। और इसका जो पल्लू है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, अगर आप सेकेंड पार्ट में देखोगे उसका पल्लू कैसा है। तो चलो देखो, ये तो मेरा हो ही गया है अब इस पैर का। तो दोनों पैरों में मैं लगा कर आलता, उसके बाद जो मैं टोज रिंग यहाँ पहन कर दिखाऊंगी वो अंगूठी है, मेरी शादी वाली अंगूठी है, तो उसी को मैं यहाँ टोज रिंग बना कर पहनूंगी, यानी अपने अंगूठे पहनूंगी। यहाँ मैंने तकिया रखा था, शायद आपको आराम से अच्छा दिखे, बट मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने फिर से तकिया हटा भी दिया था, थोड़ा सा मैं लगाई थी बट वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे सामने से, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़्यादा गद्देदार तकिया है मेरा, तो इसमें मेरा पैर ही धस जा रहा था, तो मुझे लग रहा था शायद आलता लग जाएगा बेड पे या तो मेरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर उसको तकिया को ही हटा दिया। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने लगा लिया है, अब मेरा सामने लगाना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं सामने भी लगा कर दिखाऊंगी। तो आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बोलूँगी कि आप लोग तीज में लगाइए, बहुत ही सुंदर लगेगा, तीज आने वाली है
और दो तीज तो चली गई, हरियाली तीज और एक कजरी तीज, और एक और तीज आने वाली है जो हम लोग तरफ मनाई जाती है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप लोग तीज कर चुके हैं तो आप लोग इसको करवा चौथ में ट्राई कर सकते हैं, या ऐसे भी ट्राई करके एक बार देख लीजिए। फिर अच्छे से फेस्टिवल में तैयार होके, मतलब जब आपको फेस्टिवल आएगा जो आपको करना होगा करवा चौथ या कोई भी फेस्टिवल, तो आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही प्यार लगेगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मुझे तो बहुत लोगों ने तारीफ़ किया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस टाइप से आलता और मेहंदी लगाइए। मैंने स्टोरी पे भी इसको डाला था, काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। तो मतलब यूनिक डिज़ाइन लगा मुझे, और मैं खुद ही ऐसे बड़ा बड़ा लगा ली, क्योंकि फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मच्छर काट रहा था मुझे रात को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेहंदी लगाने वाली थी, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा डिज़ाइन लगा दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं, अगर आप लोग बोलोगे कि डिज़ाइन पसंद आता है, कॉम्बिनेशन आपको मेहंदी और आलता का पसंद आता है, तो मैं इस टाइप्स की और डिज़ाइन बनाऊंगी और महीन डिज़ाइन लगाने की कोशिश करूंगी। यानी कि थोड़ी छोटी डिज़ाइन, जैसे कि ये वाला थोड़ा मोटा मोटा हो गया है, मतलब बड़ा डिज़ाइन हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा वाला, यानी फ्लावर के साथ या फिर लीफ के साथ इस टाइप्स की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग दोबारा से सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि वो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अभी मुझे फ़ोन आया था मेरी फ्रेंड का, वो उन्होंने कहा कि मैंने आज सब्सक्राइब किया, फिर मैं कल देखी थी, कल भी सब्सक्राइब की थी। बोले अरे नहीं नहीं दो दो बार सब्सक्राइब नहीं करना है मेरे चैनल को, एक ही बार करना है। तो इसी तरह मुझे बहुत से लोग फ़ोन करते तो ऐसे ही बोलते हैं, बोलते एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है। अब ऐसे फ़ोन बहुत से आते हैं, मुझे एक सिस्टर ने भी बोला था, तो मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन नहीं पता होता है बहुत लोगों को, तो इसलिए बता रही हूँ कि एक ही बार सब्सक्राइब करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर अच्छा लगा है तो दूसरों लोग को भी बांट दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए उसको, तो दूसरे लोग भी देख लेंगे, उन लोगों को भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छा और यूनिक वीडियो मैं बनाई हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया डिज़ाइन। और मैंने लगाई थी, मैंने कार वीडियो जो डाली है कल, तो उसमें भी मैंने दिखाया है अपने पैरों को, थोड़ा सा दिख रहा था, दिखाई नहीं हूँ, मतलब मैं लगाई थी तो वो दिख गया। तो वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को एंजॉय करिए। हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्म पत्नी। हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्म पत्नी। हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्म पत्नी।
हर दशा में हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्मपत्नी। हर दशा में हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्मपत्नी। हर दशा में हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्मपत्नी। हर दशा में हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्मपत्नी। हर दशा में हर दिशा में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बनके तुम्हारी धर्मपत्नी। जो है चंदन, मैं तो तारी लकड़ी, घिस 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 में।